नमस्कार। टुडे विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड जेलीज। टुडे सेशन विल सी द मेथड्स ऑफ ऑइंटमेंट प्रिपरेशन। हम लास्ट लेक्चर में ऑइंटमेंट प्रिपरेशन को शुरू कर चुके हैं, जिसमें अगला वाला पॉइंट आता है ऑइंटमेंट प्रिपरेशन मेथड्स। अब ये जो ऑइंटमेंट प्रिपरेशन मेथड्स है, इसमें हम ऑइंटमेंट बनाने के लिए कौन से मेथड यूज करते हैं वह हम इसमें देखेंगे, और यह मेथड समझने के बाद हम ऑइंटमेंट को कैसे बनाते हैं और ऑइंटमेंट को बनाने के लिए कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं जो करते हैं उसका जो आइडिया है वो ठीक से हमें इसमें समझ में आ जाएगा, या तो हमें कौन से मेथड से बनाना है वो हमें इसमें सीखना है। तो सबसे पहले जो ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट में दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहला है ड्रग और दूसरा है ऑइंटमेंट बेस, और ये दोनों जो बेसेस है उनके ऊपर ही ऑइंटमेंट का जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो ऑइंटमेंट प्रिपरेशन है वो फोर मेथड से बनाते हैं, या तो ऑइंटमेंट बनाने के लिए हम चार मेथड यूज करते हैं, जिसमें पहला है ट्रिचुरेशन मेथड, जिसमें ट्रिचुरेशन की जो टेक्निक है वह यूज करते हैं और ऑइंटमेंट बनाते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड है फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड में जो कोई ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं उनका मेल्टिंग करके हम ऑइंटमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद थर्ड मेथड है केमिकल रिएक्शन मेथड। इस मेथड में केमिकल रिएक्शंस होती है जब हम ऑइंटमेंट बनाते हैं। अब फोर्थ है इमल्सिफिकेशन मेथड। इस मेथड में इमल्शन का जो टर्म है या तो इमल्शन की जो थ्योरी है उसे यूज करके ऑइंटमेंट बेस बनाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं ट्रिचुरेशन मेथड। अब ट्रिचुरेशन मेथड जो है वो हमने बहुत बार सुनी है, उसके बाद हमने लैब में बहुत बार ट्रिचुरेशन मेथड यूज की हुई है। जनरली ट्रिचुरेशन मेथड के लिए हम मॉर्टर एंड पेस्टल यूज करते हैं, और मॉर्टर और पेस्टल में जो कोई सब्सटेंस साइज रिडक्शन होता है या तो जो कोई सब्सटेंस मिक्स होता है उस प्रोसेस में हम ट्रिचुरेशन को ही फॉलो करते हैं। अब ये जो मेथड है ये मेथड मोस्टली यूज करते हैं और लैबोरेटरी स्केल में तो सबसे ज्यादा मेथड यही यूज करते हैं। उसके बाद ये जो मेथड है इस मेथड में मेडिकामेंट्स को जो ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं उनमें मिक्स करते हैं, लेकिन इस मेथड में ऑइंटमेंट बेस ऐसे सिलेक्ट करेंगे जो सेमी सॉलिड या तो सॉफ्ट कंडीशन में रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है हार्ड पैराफिन। हार्ड पैराफिन में हम ट्रिचुएशन करके ड्रग को मिक्स नहीं कर सकते, उसके जगह पे यदि सॉफ्ट पैराफिन है व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन या तो येलो सॉफ्ट पैराफिन तो उसमें हम आसानी से ट्रिचुरेशन मेथड यूज करके हम ड्रग को मिक्स कर सकते हैं या तो ऑइंटमेंट बना सकते हैं। इसलिए ट्रिचुरेशन मेथड में ये कंडीशन रहेगा कि जो कि ऑइंटमेंट बेस है इट शुड बी द सॉफ्ट इन नेचर। ओके, आफ्टर दैट व्हाट एवर द मेडिकामेंट्स वी आर यूजिंग इट शुड बी इन अ फाइन पार्टिकल साइज। व्हाई इट इज टू मेक द यूनिफॉर्म मिक्सर और टू मेक द यूनिफॉर्म ऑइंटमेंट। यदि वो फाइन पार्टिकल साइज में नहीं होगा तो ड्रग्स के जो पार्टिकल है वो ऑइंटमेंट बेस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे और होमोजीनियस ऐसा ऑइंटमेंट बनेगा नहीं, या तो फिर फाइन साइज में नहीं होगा तो उसमें लूम्स रह जाएंगे या तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स रहेंगे जो कि ऑइंटमेंट बेस जब हम अप्लाई करें तो वो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए जो कोई ड्रग पार्टिकल्स रहेंगे वो सब फाइन पार्टिकल साइज में होने चाहिए। अब ये जो
ट्रिचुरेशन मेथड है। इस ट्रिचुरेशन मेथड में दो डिवाइसेस हम यूज करते हैं या तो दो इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसमें सबसे पहला है ऑइंटमेंट स्लैब और दूसरा है मॉर्टर एंड पेस्टल। ऑइंटमेंट स्लैब और मॉर्टर एंड पेस्टल ऐसे दो इक्विपमेंट जनरली ट्रिचुरेशन मेथड में यूज करते हैं। अब ये दोनों मेथड क्या है वो हम इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहला ऑइंटमेंट स्लैब। अब ये ऑइंटमेंट स्लैब क्या होता है तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता कि अपना लेटर पैड होता है, वैसे ही ये एक पैड होता है और अक्राइलिक मटेरियल का ये पैड होता है और जिसके ऊपर स्केल होती है 1 सेंटीमीटर तो 1 इंच की स्क्वायर में ऐसी एक उसके ऊपर स्केल भी ड्रॉ की हुई है और वो अक्राइलिक मटेरियल में होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑइंटमेंट स्लैब है उसका नाम ही वैसा है कि इस स्लैब का यूज ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो ऑइंटमेंट स्लैब है इसकी स्पेशलिटी क्या है तो जो भी ऑइंटमेंट बेस होता है वो ज्यादा स्टिक नहीं होता है ऑइंटमेंट स्लैब पे। यानी क्या, तो जो कोई हम ऑइंटमेंट बनाएंगे वो इजीली उस स्लैब से रिमूव हम कर सकते हैं। इसे जनरली ऑइंटमेंट को बनाने के लिए लैबोरेटरी स्केल में ऑइंटमेंट स्लैब का यूज करते हैं। अब ये जो ऑइंटमेंट स्लैब है इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि व्हाट एवर द मेडिकामेंट वी आर यूजिंग इट शुड बी इन अ फाइन पार्टिकल साइजेस। अब फाइन पार्टिकल साइज क्यों होना है ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। उसके बाद ऑइंटमेंट स्लैब पे जो पार्टिकल्स हम लेंगे वह लेने के बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑइंटमेंट शुड बी टेक ऑन अ सेम स्लैब। पहले क्या करेंगे, स्लैब लेंगे उसके ऊपर फाइन पाउडर लेंगे, उसके बाद ऑइंटमेंट बेस्ड जो है प्रिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसे हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लेंगे। अब यहाँ रिक्वायर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं। सबसे पहले सपोज प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा 10 ग्राम, सपोज प्रिस्क्रिप्शन में कितना लिखा है 10 ग्राम लिखा है, तो हम क्या करेंगे 7 ग्राम या तो 8 ग्राम हम सबसे पहले ऑइंटमेंट स्लैब पे ले लेंगे। ठीक है, या तो फिर हम 5 ग्राम भी ले सकते हैं, इट विल बी डिपेंड ऑन द प्रोसीजर। हाँ, अब क्या करिया, ऑइंटमेंट बेस लिया उसके बाद फाइन पाउडर लिया, अब दोनों को क्या करना है प्रॉपरली मिक्स करना है। अब इसमें मिक्स करने के लिए हम स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला यूज करते हैं। इसमें मिक्स करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला यूज करते हैं टू मेक द होमोजीनियस मिक्सचर और टू मेक द होमोजीनियस ऑइंटमेंट। अब ये जो स्पैचुला है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, ड्रग और ऑइंटमेंट बेस को प्रॉपरली मिक्स करेंगे। अभी प्रॉपरली मिक्स कैसे करते हैं तो आपने शायद पिक्चर टीवी में वगैरह बहुत बार देखा होगा, जो ब्रेड होता है ब्रेड पे बटर कैसे लगाते हैं, उसी सेम मेथड से क्या करते हैं कि वो जो पाउडर है और ऑइंटमेंट बेस है दोनों को मिक्स करते हैं और ये जो पाउडर और ड्रग बेस जो है दोनों को मिक्स करने का वो जो मेथड है उसे हम ट्रिचुरेशन मेथड भी कहेंगे, जो कि ऑइंटमेंट स्लैब पे करते हैं। हाँ, अब ये जो ट्रिचुरेशन मेथड है वो हम मॉर्टर पेस्टल में अलग तरीके से करते हैं और ऑइंटमेंट स्लैब में क्या करते हैं, जो भी कोई पेस्ट बनेगा उसे साइड बाय साइड ऐसा स्पैचुला से हम मूव करते करते उसे प्रॉपरली मिक्स करते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। उसके बाद लास्टली क्या करना है तो जो रिमेनिंग बचा हुआ ऑइंटमेंट बेस होगा वो लेना है ऑइंटमेंट स्लैब पर और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यदि कोई लिक्विड मेडिकामेंट बचता है तो उस लिक्विड मेडिकामेंट को ऑइंटमेंट बेस के साथ पहले बनाया हुआ जो मिक्सचर है उसके अंदर हम स्पेचुलेशन से हमें प्रॉपरली उसे मिक्स करना है। ओके, अब ये हुआ ऑइंटमेंट स्लैब मेथड। अब दूसरा देखते हैं मॉर्टर एंड पेस्टल। अब मॉर्टर एंड पेस्टल जो है ये जो है इसे एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट स्लैब इट इज यूज रेयरली। ऑइंटमेंट स्लैब को स्पेशली ऑइंटमेंट के लिए ही बनाया है इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तो ऑइंटमेंट स्लैब को ही देते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी है कि जिस
मॉर्टर एंड पिस्टल भी यूज करते हैं। अब ये कंडीशंस कौन सी है, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि बहुत सारे ऑइंटमेंट बेस में लिक्विड मेडिकामेंट भी यूज करते हैं, और यदि ये लिक्विड मेडिकामेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में हम मॉर्टर या तो पिस्टल को यूज करेंगे। अब इसमें और एक कंडीशन ये है, यदि कोई ऑइंटमेंट स्टेनिंग है, यदि कोई ऑइंटमेंट कलर प्रोड्यूस करता है, तो उस कंडीशन में हम ग्लास का बना हुआ मॉर्टर और पिस्टल को यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, स्टेनिंग मटेरियल जस्ट लाइक आयोडीन ऑइंटमेंट, बराबर, आयोडीन ऑइंटमेंट, आयोडीन क्या होता है, कलर देता है। ठीक है, तो वो कलरी प्रॉपर्टी उसकी, कलर देने की स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए उस कंडीशन में हम मॉर्टर पेस्टल यूज करते हैं, वो भी ग्लास का। ठीक है, मॉर्टर पेस्टल एक्चुअल में दूसरा पोर्सिलिन का भी आता है, लेकिन यदि स्टेनिंग होगा तो हम ग्लास मॉर्टर पेस्टल को प्रेफर करते हैं। उसके बाद मॉर्टर एंड पेस्टल को बहुत बार यूज नहीं करते हैं, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि ये जो मॉर्टर और पेस्टल से जब हम ट्रिचुरेशन करते हैं, तब मेनी टाइम वी हैव टू स्क्रैप द वॉल ऑफ द मॉर्टर्स और सरफेस ऑफ द पेस्टल। ट्रिचुरेशन करते वक्त क्या होता है कि वो जो मॉर्टर होता है उसका जो साइड वॉल है, तो उसके ऊपर ऑइनमेंट जो है वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, तो उस ऑइनमेंट को बार बार स्पैचुला से हमें स्क्रैप करके मेन जो मिक्सिंग का जो प्रोसेस चलता है उसमें उसे लेना पड़ता है, तो ये एक उसका प्रॉब्लम है, इसलिए मॉर्टर पिस्टल को भी कम प्रेफरेंस मिलता है। अदरवाइज इट इज अ यूज फॉर द लिक्विड इफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज मोर। ओके, तो ऐसे ये दो मेथड है ट्रिचुएशन के जो हम ऑइनमेंट बनाने के लिए ट्रिचुएशन मेथड में यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है टू प्रिपेयर एंड सबमिट सिंपल ऑइनमेंट। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। हाँ, तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन RX, उसमें सबसे पहला कंटेंट है वुल फैट 5 ग्राम, उसके बाद हार्ड पैराफिन 5 ग्राम, उसके बाद सीटोस्टियराइल अल्कोहल 5 ग्राम, उसके बाद व्हाइट सॉप पैराफिन 85 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला यूज करके हमें क्या करना है, सिंपल ऑइनमेंट बनाना है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 100 ग्राम का फॉर्मूला है, और यदि आप हमें 1000 ग्राम बनाना हो तो इसे फैक्टर कैलकुलेट करके हम मल्टीप्लाई बाय 10 करके इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है तो इसे आप कैसे बनाएंगे, ऑइनमेंट तो हमने अभी जैसे डिस्कस किया वैसे ही इसे भी बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वुल फैट, हार्ड पैराफिन, सीटोस्टेराइल अल्कोहल और व्हाइट सॉप पैराफिन, इनको क्या करेंगे, वेइंग करेंगे। ठीक है, वेइंग करने के बाद ये जो सीटोस्टेराइल अल्कोहल है उसे हम पाउडर फॉर्म में प्रॉपरली कन्वर्ट कर देंगे। सीटोस्टेराइल अल्कोहल के पैलेट्स या तो क्रिस्टल्स होते हैं, तो उसे क्या करेंगे, साइज रिडक्शन कर देंगे, तो साइड रिएक्शन करने के बाद उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और वो कन्वर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, ऑइंटमेंट स्लैब लेंगे, ऑइंटमेंट स्लैब लेने के बाद उसके ऊपर सीटोस्टेरॉल अल्कोहल लेंगे, उसके बाद वुल फैट लेंगे 5 ग्राम, बाद में हार्ड पैराफिन 5 ग्राम, और व्हाइट सॉप पैराफिन जो है वो हम रिसीव रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो है 4 कंटेंट है टोटल, बराबर, तो चारों कंटेंट जो है वो प्रॉपरली मिक्स होने ही चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहले वुल फैट ले लिया, हार्ड पैराफिन लिया, सीटोस्टेरॉल अल्कोहल लिया, तो अब क्या करेंगे, व्हाइट सॉप पैराफिन जो है उसे भी हम 5 ग्राम लेते हैं या तो 10 ग्राम ले लेंगे। ठीक है, और वो लेने के बाद स्पैचुला यूज करके हम उसे ऑइनमेंट स्लैब पे प्रॉपर स्पैचुलेशन करेंगे या तो ट्रिचुरेशन करेंगे, और ट्रिचुरेशन करने के बाद सबसे पहला जो यूनिफॉर्म मिक्सचर है वो हम बनाएंगे। वह बनाने के बाद बचा हुआ जो व्हाइट सॉप पैराफिन है वो सफिशियंट क्वांटिटी में लेकर हम ये जो मिक्सचर है उसे होमोजीनियस ऑइनमेंट फॉर्म में बनाते जाएंगे, और लास्टली बचा हुआ जो ऑइनमेंट बेस होगा वो पूरा मिक्स करने के बाद उसे ट्रिचुएशन करके हम ऑइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल ऑइनमेंट बनेगा बाय यूजिंग अ ट्रिचुरेशन मेथड। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं,
दैट इज फ्यूजन मेथड। सेकेंड वन दैट इज फ्यूजन मेथड। अब फ्यूजन मेथड यानी क्या, तो उसमें ही नाम है कि दो और तीन तरीके के जो कोई मटेरियल होंगे उन्हें क्या करना है, फ्यूज करना है, यानी एक दूसरे में उसे मिक्स करना है। तो मिक्स करते वक्त क्या करते हैं, तो इसमें जनरली हम हीटिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अब ये जो फ्यूजन मेथड है इसमें क्या है, तो जब कोई हम कोई ऑइंटमेंट बनाते हैं तो ऑइंटमेंट बनाते वक्त कम से कम दो तीन ऑइंटमेंट बेसेस हम अलग अलग यूज करते हैं। ओके, अब इस ऑइंटमेंट बेस में कुछ ऑइंटमेंट बेस सॉलिड कंडीशन में रहते हैं, कुछ ऑइंटमेंट बेस लिक्विड कंडीशन में रहते हैं और कुछ सेमी सॉलिड कंडीशन में रहते हैं। तीनों का जो नेचर है वो अलग अलग है, बराबर। तो अब ऐसे यदि तीन कोई बेस होंगे तो उन्हें मिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें मेल्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग अ हीट, बराबर। तो हीट यूज करके हम तीनों बेसिस को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद फिर उनका एक प्रॉपर ऐसा एक बेस बनेगा, उसे हम कहेंगे ऑइंटमेंट बेस। तो फिर ये ऑइंटमेंट बेस आगे हम ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि वूल फैट है, ये सेमी सॉलिड नेचर में। उसके बाद बीस वैक्स, ये हार्ड कंडीशन में आता है, उसके केक्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, या तो फिर व्हाइट सॉफ्ट, व्हाइट हार्ड पैराफिन, हार्ड पैराफिन का भी बड़ा केक होता है, बराबर, सॉलिड नेचर है उसका। उसके बाद सॉफ्ट पैराफिन, सॉफ्ट नेचर है। उसके बाद लिक्विड पैराफिन, लिक्विड नेचर में है, बराबर। तो ऐसे ये तीनों अलग अलग नेचर है, इन्हें प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज करके हम मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद फिर उसका एज अ ऑइंटमेंट बेस यूज करते हैं। तो ये जो मेथड है इसे कहते हैं हम फ्यूजन मेथड। दो और दो से ज्यादा जो ऑइंटमेंट बेसिस है उन्हें हीटिंग देते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं, और वो सब मिक्सिंग होने के बाद हमें एक मिलता है ऑइंटमेंट बेस। अब ये जो ऑइंटमेंट बेस है इसे हम जनरली इवापोरेटिंग डिश में करते हैं लैबोरेटरी स्केल में, ठीक है। इसे हम लैबोरेटरी स्केल में इवापोरेटिंग डिश में करते हैं, और यदि इंडस्ट्रियल स्केल होगा तो वो उसमें पैन्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो पैन्स का यूज करके ये मेथड यूज कर ऑइंटमेंट बनाते हैं। अब इसमें जो कोई ऑइंटमेंट बेसिस है उन्हें फ्यूजन करने के लिए एक प्रॉपर मेथड है। उस मेथड में क्या करते हैं, तो ये जो बेसिस है उन्हें उनके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के अनुसार इवापोरेटिंग पैन या तो इवापोरेटिंग डिश में मेल्ट करते हैं इन द डिक्रीजिंग मैनर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल एक ऑइंटमेंट बेस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरे का है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 80 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका मेल्टिंग पॉइंट है उसे हम पैन में लेंगे, बराबर। पैन में लेने के बाद उसे सबसे पहले मेल्ट करेंगे, उसे मेल्ट करने के बाद दो नंबर पे जो होगा, जैसे कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड का मेल्टिंग पॉइंट वाला ऑइंटमेंट बेस होगा, तो उसे उसमें ऐड करके उसे भी प्रॉपरली डिजॉल्व मेल्ट कर देंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद लास्ट में बचा हुआ जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ऑइंटमेंट बेस है उसे हम उस जो मेल्ट किया हुआ दोनों मिक्सचर है उसके अंदर ऐड करके उसे हम अगेन हीटिंग देंगे, और हीटिंग देने के बाद फिर उसे हम प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स स्टर करके मिक्स करेंगे। ऐसा करने के बाद फिर मिलेगा ऑइंटमेंट बेस, बराबर। तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट के अनुसार डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑइंटमेंट बेस को मेल्ट करते जाते हैं और उन्हें मिक्स करते जाते हैं। तो ये हुआ फ्यूजन मेथड। अब ये जो फ्यूजन मेथड है इसे हम जनरली वाटर बाथ में करते हैं लैबोरेटरी स्केल में। उसके पीछे रीजन यह है कि यदि डायरेक्ट हीटिंग करते हैं तो जो ऑइंटमेंट बेसिस हो वो करप्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या तो उनकी ओवर हीटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ओवर हीटिंग प्रिवेंट करने के लिए और
ऑइंटमेंट बेस को प्रॉपरली मेल्ट करके मिक्स करने के लिए हम वाटर बाथ का यूज करते हैं। उसके बाद अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, सपोज अभी यहाँ पे एग्जांपल देखते, देखो वुल फैट है, बिस्वैक्स है और सपोज लिक्विड पैराफिन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिस्वैक्स लेंगे, उसे मेल्ट कर देंगे, उसे मेल्ट करने के बाद वुल फैट लेंगे, उसे भी मेल्ट करके उस बिस्वैक्स में प्रॉपरली मिक्स कर देंगे और बाद में लिक्विड पैराफिन उसमें ऐड करके प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। तो उसे मिक्स करने के बाद लिक्विड फॉर्म में ये ऑइंटमेंट बेस हॉट कंडीशन में पैन में रहेगा या तो डिश में रहेगा। उसमें अब हमें क्या करना होगा, जो कोई मेडिकामेंट होगा वह मेडिकामेंट डायरेक्टली मेल्टेड कंडीशन में हमें स्लोली ऐड करना है और उसे स्टर करते वक्त करते उसे मिक्स करना है। ठीक है, तो इस तरह मेडिकामेंट जो है उसे ऑइंटमेंट बेस में मेल्टिंग कंडीशन में ही ऐड करते हैं, स्लोली ऐड करके उसे स्टरिंग करते हुए उसे अलाउ करते हैं। उसके बाद वह सब मिक्स होने के बाद क्या करेंगे कि वो जो ऑइंटमेंट डिश में जो बना हुआ मिक्सचर रहेगा उसे हम थोड़ा कूल होने देंगे। कूल होने के बाद, कूल होते वक्त उसे जस्ट स्टर करते रहेंगे, उसके वजह से क्या होगा, थोड़ा होमोजीनियस मिक्सचर प्रॉपरली बनेगा। वो बनने के बाद फिर क्या करेंगे, उसे हम थोड़ा माइनूट वार्म कंडीशन में उसे कंटेनर में ऐड करेंगे। वह कंटेनर में ऐड करने वक्त उसके पीछे कुछ रीजन है, क्या रीजंस है, तो उसमें पहला रीजन ये है कि उसे वार्म कंडीशन में ही कंटेनर के अंदर भरते हैं। उसके पीछे रीजन है कि उसके अंदर एयर जो है वह ट्रैप नहीं होना चाहिए, वो एक पहला कंडीशन। सेकेंड, ज्यादा रैपिड कूलिंग करते नहीं है। जब ये मेल्टिंग कंडीशन में ऑइंटमेंट बन जाता है, बनने के बाद उस ऑइंटमेंट को रैपिडली कूलिंग करते नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि उसमें लूम्स फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि प्रॉपरली मिक्स नहीं रहे बेस तो क्या होगा कि जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वह जल्दी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है वह जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो लेट होगा, तो उसकी वजह से ऑइंटमेंट में क्रिस्टल्स जैसे फॉर्म होने के चांसेस रहेंगे या तो लूम्स फॉर्मेशन के चांसेस रहेंगे। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो वो जो ऑइंटमेंट बेस होता है उसे स्लोली कूल करते हैं और कंटिन्यूस स्टरिंग करते करते उसे कूल करते हैं। उसके बाद उसे हम कंटेनर में पोर करेंगे। कंटेनर में पोर करने के बाद उसे डिस्टर्ब करना नहीं है। यदि हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो मेल्टेड ऑइंटमेंट जो है वो कंटेनर के साइड वॉल को एक्स्ट्रा स्पेस में वो एडर हो जाता है और जो प्रिपरेशन का जो अपीयरेंस है वो ठीक से दिखता नहीं है। इसलिए एक बार उसे कंटेनर में पोर कर दिया वार्म कंडीशन में तो उसे बाद में डिस्टर्ब करते नहीं है जब तक वो सेमी सॉलिड कंडीशन में आता नहीं। ओके, तो इस तरह से ये फ्यूजन मेथड यूज करते हैं। हाँ, इसमें और एक स्टेप बच गई कि जब हम कूलिंग करते हैं और स्टरिंग करते हैं उसके पहले यदि कोई लिक्विड सब्सटेंस बचा होगा तो उसे हम हॉट कंडीशन में उस मिक्सचर में ऐड करेंगे। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एवर द लिक्विड वी आर एडिंग इन दैट स्टेप, दैट लिक्विड शुड हैव इन अ हॉट कंडीशन और इन अ हीटिंग कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द मेल्टेड ऑइंटमेंट बेस। जो कोई ऑइंटमेंट बेस मेल्ट किया हुआ है उसका सपोज टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो कुछ लिक्विड हमें उसमें ऐड करना है उस लिक्विड का भी टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है और तब दोनों को हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब ऐसा क्यों, तो उसके पीछे रीजन है, यदि मिक्सचर हॉट है और हम ऐड करने वाला लिक्विड यदि कूल होगा तो उसमें वाटर ड्रॉप्स या तो ऑइंटमेंट बेस के जो ड्रॉप्स है वो स्प्लिट होंगे,
और वो हमारे फेस के ऊपर या तो हमारे बॉडी के ऊपर आ सकता है या तो उसमें स्प्लिट्स हो सकते हैं। बराबर, जैसे घर पे यदि गर्म तेल होगा उसमें हम पानी के छींटे डाले तो क्या होता है, उसी तरह से इसमें भी हो सकता है। दूसरी बात, कुछ ऑइनमेंट बेस के जो लिक्विड है, ऑइनमेंट बेस मेल्टेड कंडीशन में है, वो भी रैपिडली कूल हो सकता है। यदि हम कूल लिक्विड उसके अंदर डाल देंगे तो उसमें लूम फॉर्मेशंस बन जाएंगे, तो वो लूम फॉर्मेशन भी नहीं बननी चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, तो जो भी कोई लिक्विड उसमें ऐड करेंगे उसे हम हॉट कंडीशन या तो सेम टेम्परेचर में ही उसे ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये है फ्यूजन मेथड। अब उसमें हम एग्जांपल देखते हैं, वूल अल्कोहल ऑइनमेंट। अब इसका प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें वूल अल्कोहल है 6 ग्राम, हार्ड पैराफिन है 24 ग्राम, व्हाइट सॉ पैराफिन है 10 ग्राम, उसके बाद लिक्विड पैराफिन है 60 ग्राम। अब इसे हमें क्या करना है, तो ऑइनमेंट बनाना है। तो ऑइनमेंट बनाते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चारों जो कंटेंट है उनका वेइंग करके रख लेंगे। वेइंग करके रखने के बाद सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है उसे देखेंगे, जो ज्यादा हार्ड उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। बराबर, जैसे कि इनमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है, तो हार्ड पैराफिन है। ठीक है, उसके बाद कौन है, वूल अल्कोहल, व्हाइट सॉप पैराफिन या लिक्विड पैराफिन। तो इसमें आएगा व्हाइट सॉप पैराफिन। हार्ड पैराफिन के बाद व्हाइट सॉप पैराफिन लेंगे, व्हाइट सॉप पैराफिन के बाद वूल अल्कोहल लेंगे, और वूल अल्कोहल के बाद लिक्विड पैराफिन लेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर हम फिक्स करते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये ऑपरेटिंग डिश लेंगे, उसे वाटर बाथ में रखेंगे और उसे हॉट कंडीशन में आने देते हैं। बराबर, अब ये ऑपरेटिंग डिश यदि हॉट हो गई तो उसमें सबसे पहले हम हार्ड पैराफिन डालेंगे। हार्ड पैराफिन डालने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, वह मेल्ट होने के बाद व्हाइट सॉ पैराफिन डालेंगे और वो भी मेल्ट हो जाएगा, बाद में हार्ड पैराफिन में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, स्टरिंग करना है विगरसली। उसके बाद उसमें हम वूल अल्कोहल डालेंगे, वो भी उसमें प्रॉपरली मिक्स कर देंगे, और फिर लास्टली लिक्विड पैराफिन स्लोली ऐड करते 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 हम उसे हॉट कंडीशन में उसे मिक्स करते जाएंगे, और इस तरह से वार्म कंडीशन में पूरा बेस बन जाएगा। बेस बनने के बाद उसे हम वाटर बाथ से बाहर निकालेंगे, उससे थोड़ा कूल होने देंगे, और कूल होने का ये जस्ट वार्म कंडीशन में आया, पोरेबल कंडीशन में आया, तो उसे क्या करेंगे, डायरेक्टली कंटेनर में पोर कर देंगे। कंटेनर में पोर करने के बाद उसे डिस्टर्ब करना नहीं है, कूल होने देना है, बाद में वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसे कैप लगाकर लेबल लगा के उसे बाद में डिस्पेंस करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यू आर सेकेंड मेथड, फ्यूजन मेथड। बची हुई जो मेथड्स है वो हम अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।